हेलो दोस्तों, 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। विजेताओं के बारे में जानकारी नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। बता दें कि ये पुरस्कार 2020 के दिए गए हैं। विजेताओं को साल के अंत में एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। तमिल फिल्म सोरारई पोटरू, जिसका हिंदी नाम है उड़ान, को इस बार बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जिसको डायरेक्ट किया है सुधा कौन गारा। इसके स्टार कास्ट हैं सूर्या, अपर्णा बाला मुरली और परेश रावल हैं। वहीं बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड ताना जी को मिला है, जिसको डायरेक्ट किया है ओम राउत ने। इसके स्टार कास्ट है अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सोरारई पोटरू के सूर्या और ताना जी के लिए अजय देवगन को संयुक्त रूप से मिला है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सोरारई पोटरू की अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली को मिला है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।